सर, सबसे पहले H&K म्यूजिक के बारे में कुछ बताएं कि ये जो लेबल है उसके अंदर क्या कुछ ऑडियंस को देखने मिलेगा और क्या नया उनके सामने प्रेजेंट करेंगे इस म्यूजिक लेबल के साथ। देखिए, मेरे बड़े भाई हैं हरीश जी, ये बताएंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा। जी सर, देखिए H&K म्यूजिक में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई वल्गरिटी ना हो और एक अच्छा संगीत मिले लोगों को, मतलब टाइम पास नहीं और बहुत जल्दी वो नहीं कि शॉर्ट सक्सेस वाला कोई रास्ता। हम एक बढ़िया म्यूज़िक देना चाहते हैं कि जैसी और एक बड़ी कंपनियों की स्टार्टिंग हुई थी, तो उस हिसाब से हम बढ़िया रोमांटिक और अच्छे सिंगर्स के साथ काम कर रहे हैं। पहला गाना हमारा अमन त्रिखा ने गाया है, बैठे हुए हैं। दूसरा गाना शबाब साबरी ने गाया। तीसरा गाना मामे खान गा रहे हैं 28 तारीख को। मोस्टली मार्केट के लगभग 15-20 जो टॉप सिंगर है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस समय। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि 90% सिंगर्स और म्यूजिशियन इस समय H&K म्यूजिक के पास हैं, और क्या चाहिए आपको। सर, आज का जो सीन हो रहा था, जो म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का म्यूजिक वीडियो है, कौन से जॉनर का गाना है। सर, ये डायरेक्टर बताएंगे। जी सर, जी बताइए। ये एक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग है। अक्सर हमने रोमांटिक सॉन्ग्स में देखा है कि रिदम धीमी होती है, डाउन होती है, लेकिन इस बार प्रवीण सर ने इसमें रोमांस के साथ साथ एक अलग ही मस्ती दे दी है। तो ये उस टाइप का वीडियो है जिसमें फीचर कर रहे हैं आकाश जग्गा और अपर्णा एंड अमन त्रिखा ऑल्सो। यस, अमन फीचर कर रहा है, अभी डांस करेंगे थोड़ी देर बाद, रुक के जाना सब लोग। नया रूप आएगा अमन का। अमन भाई, थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अभी जब शूट हो रहा है तो एक्टर्स भी हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में। गाना जैसे प्रवीण भाई ने बताया और राजा भाई ने बताया अभी कि जब गाया था तो ही हरीश भाई भी थे रिकॉर्डिंग में, सब लोग मौजूद थे, तो गाने के टाइम पे ही समझ में आ गया था कि गाना जो है फील से भरपूर है। बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश आ जा रही है और बारिश का ही गाना है। तो म्यूज़िक जो है वो आपको थोड़ा पुराने 90s के दौर में लेके जाएगा। म्यूज़िक वैसा है जहाँ पे म्यूज़िक और लिरिक्स पे बहुत जोर होता था, सिंगिंग पे भी जोर होता था, वॉइस जो होती थी फ्रंट में होती थी और लिरिक्स के ऊपर गाना चलता था। तो जैसे ही वैसे ही है ये भी गाना उसी प्रकार का है। आजकल जितना ढक्चक वाले माहौल से हट के कुछ कर रहे हैं प्रवीण भाई और हरीश भाई मिलके, बहुत खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा बना हूँ। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा कर रहे हैं आकाश और अपना, मैंने थोड़े शॉर्ट्स देखे। सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। हरी सर, आपसे जानना चाहूंगा क्या ब्रीफ था, जैसे तो प्रवीण सर ने कहा कि अलग अलग जॉनर के गाने हैं और तीनों अलग अलग सिंगर जो है। मैं तो इनके पीछे उनको फॉलो कर रहा हूं। मैंने मेरे बड़े भाई हैं और हम लोग रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट करते हैं। और हम लोग इस गाने को देख रहे थे, सोच रहे थे, तो हम लोग इसकी कास्टिंग कर रहे थे, तो हमें बड़े रोमांटिक कपल जैसे फेस चाहिए थे। हमारी नज़र में एकदम आकाश आया, आकाश का प्रोफाइल आया, आकाश ने बहुत अच्छे हिट सीरियल किए हैं ससुराल सिमर। हमारे नज़र में अपर्णा का फेस आया, वो एक अच्छा एक एक्ट्रेस का मैच्योर्ड फेस लगता है जो, तो हमने तुरंत दोनों को कास्ट किया। आज दोनों पे वीडियो शूट कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मैं जुलाई 1st वीक में इसको रिलीज़ कर दूंगा, आपको एक बार फिर बुलाऊंगा और अच्छी पार्टी दूंगा, बड़ी वाली दारू वारू पिलाएंगे। सो एक्टर्स से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं कि जैसे सर ने कहा रोमांटिक गाना तो है ही, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या क्या प्रिपरेशन, क्या इट हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। जब मैं सुबह आया तो ही मुझे राजा भाई रूम में आया, मुझे सब ब्रीफ दिया कि इट इज़ सैड येट रोमांटिक, देर इज लव एंड यू आर हैप्पी, सो देर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस मिक्सड। एंड प्रवीण सर के साथ, हरीश जी के साथ, मेरे साथ पहली मेरी के साथ पहली वीडियो है, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहे हैं, पहले मिले हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद बोथ ऑफ देम एंड आई एम लविंग इट। लिरिक्स तो बहुत ही सुंदर हैं, प्यारे लिरिक्स हैं एकदम, और गाया भी अमन त्रिखा जी ने बहुत अच्छे से है। सो आई एम एन्जॉइंग द सॉन्ग एंड इट गिव्स अ सॉफ्ट फील, जैसे इन्होंने बोला, सो आई एम एन्जॉइंग, दैट्स इट। राइट, जितना भी लोगों ने देखा है मुझे लगता है कि लोगों को गाना रिलीज होने के बाद आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आने वाली है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों, पैसे भी मांगेंगे ज़्यादा। उसको लेके कुछ प्रिपरेशन की थी या फिर आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? आई थिंक हमने सिर्फ एक रिहर्सल किया था फॉर सम डांस, थोड़ी बातचीत एंड बाकी सब यहीं पे कर रहे हैं, बट अभी तक इट हैज बीन कमिंग आउट रियली गुड।
सर इसके अलावा बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स हैं जैसे हमने पहले भी पूछा था आपको, तो उनके साथ भी आई एम श्योर कॉम्पिटिशन होगा ही, लेकिन सर कंपटीशन प्रवीण भारद्वाज का है ही नहीं, मेरे गाने सब म्यूजिक लेवल के सिंग सुपर हिट हैं, ये तो मेरा अपना लेवल है, कैसे अलग होने वाला है, कैसे अलग होने वाला है सर? नहीं अलग कुछ नहीं होता, बेस्ट काम करो, अलग डिफरेंट कुछ नहीं होता, ये अलग तो लोग बोलते हैं अलग नहीं होता, लेकिन जितने लेवल चल रहा है मार्केट में सब में मेरे हिट गाने हैं, 50-50, 100-100, चाहे टी सीरीज हो, जी हो, सोनी हो, अभी सोनी का गाना भी हम, अब ये है कि ये मेरी घर की कंपनी है तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, थोड़ी सी वहाँ थोड़ी सी कम करता था। हाँ मैंने दोनों को साइन कर लिया था 10 साल के लिए। लेकिन फिर आगे अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं और जो चैलेंजेस होगा वो कैसे, फिर अगर किसी को अप्रोच करना हो सर, सब नाम सुन के आते हैं सर, क्या मुझे कौन मना करेगा, सब करते हैं काम करेंगे, सब करते हैं। नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट पे सिंगर नहीं है, केवल 2 या 3 सिंगर केवल कॉन्ट्रैक्ट में, इस समय मार्केट में आप पता करिए, सब सिंगर फ्री हैं, अपना अमन भाई फ्री है, वहाँ में जितने सिंगर हैं सब फ्री हैं, केवल 2 या 3 सिंगर केवल कॉन्ट्रैक्ट पे मार्केट में, बाकी सब फ्री हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है वो सब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। बहुत खुल गया है अभी माहौल सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, कि हम ये सब अपनी मनचाही चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं ऑडियंस के सामने, पहले तो म्यूजिक लेबल के हिसाब से चलना पड़ता था, आपको फिल्म में जो गाना मिलता है, मैंने जितने भी गाए हैं, सो इट्स इट हैज़ अ ब्रीफ, इट हैज़ अ सर्टन ब्रीफ कि ऐसा ही गाना है, और एक्टर्स की डिमांड है, फिर प्रोडक्शन हाउस की डिमांड है, फिर म्यूजिक कंपोजर की डिमांड है, बहुत सारे लोगों की डिमांड्स, बहुत सारे लोगों की ईगो सेटिस्फाई करनी होती है, फिल्म प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन इतना उभर के आया गया 3-4 साल में, स्पेशली पोस्ट कोविड, कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं दुनिया भर में, लेकिन एक ये चीज़ है जो अच्छी निकल के आई है फॉर आर्टिस्ट, कि हम अपनी आवाज़, हम अपना काम जो है वो विदाउट एनी म्यूजिक लेबल, पुख्ता म्यूजिक लेबल, जैसे कि प्रवीण भाई ने नाम लिया, उसके बगैर हम अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, और H&K म्यूजिक जैसी एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे आप अपना टैलेंट, आप अपनी जो क्रिएटिविटी है, जैसे गाने हम चाहते हैं प्रेजेंट करना, ऑडियंस को सुनाना, जैसे लोगों को ऑडियंस को सुनाई भी देते हैं और अच्छे भी लगते हैं, आज तक आप देखिए आशिकी का म्यूजिक अभी भी चलता है ऑटोज में, बसेज में, कॉमन जो जितनी जनता है 1991-92 से लेके 2000 का जितना म्यूजिक था अन इलेक्ट्रॉनिक मैं कहूँगा, और बहुत ऑर्गेनिक था, ओरिजिनल म्यूजिशियंस लाइव म्यूजिशियंस होते थे, तो यहाँ पे भी वही करने की कोशिश है, प्रवीण भाई हमेशा जहाँ पे भी हाथ लगाते हैं वो सुना हो जाती है चीज़, और बहुत पॉजिटिव इंसान है, और जितनी भी शिद्दत से काम करते हैं लोग उनको हमेशा सफलता मिलती है। प्रवीण से आपसे सवाल ये है कि आजकल जो सीधी सी बात है गाने आते हैं हम आज सुनते हैं लफ्ज भी समझ में आया तो भूल जाते हैं, वैसा क्या खास गानों को लेकर भी आप सोचेंगे कि जो सिंपल रहे और जो कि कनेक्ट भी हो और याद भी है? ये गाना July 1st में रिलीज हो जाएगा, मुझे लगता है ये गाना एकदम एरा को चेंज कर देगा, क्योंकि फिर लिरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, कंपोजिशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और लोग फिर से, और दूसरी चीज़ क्या है कि गाने की रीच होती है, जैसे बहुत शोर शराबे वाले गाने उनकी जो रीच है केवल 4 मेट्रोज या 5 मेट्रोज में, बट जो मेलोडियस म्यूजिक है वो गांव-गांव तक में चलता है, वो 130 करोड़ लोगों तक जाता है, और ये जो शोर शराबे वाला म्यूजिक है वो शायद अंधेरी में ज़्यादा बचता है और उसके बाद अंधेरी से बाहर वो निकलता नहीं, वहीं हिट हो जाता है, वहीं फ्लॉप होकर ख़त्म हो जाता है। बट मैं एक बार जम्मू गया था तो मैं अपने शुक्रिया सुन रहा था पहाड़ों पे चढ़ते हुए, तो मुझे बड़ा, उसी टैक्सी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसी टैक्सी में कंटिन्यूस अपने गाने सुन रहा हूँ, ड्राइवर बोल रहा है बहुत अच्छे गाने हैं, तो आपके गानों की जो रीच है ना वो एक आम आदमी तक होनी चाहिए। सर अभी आप उठा के गाने देखिए तो मेलोडी तो कभी मरी नहीं है ना, वही गाने चलते हैं, है ना, आज अमन रोमांटिक गाने गा रहा है, अरिजीत सिंह का एक दौर आया, अरिजीत क्या गाने, सब रोमांटिक गाने ही हिट हैं, साल में 2 आइटम चलते हैं, बाकी 98 रोमांटिक गाने हिट होते हैं। सर इसके अलावा रिक्रिएशन का भी दौर चल रहा है, तो क्या आप आगे सोचेंगे कि रिक्रिएशन भी जो इस लेवल के थ्रू? सर 200-250 साल जिंदा रहेंगे, इन्हीं को रिक्रिएट करेंगे आराम से, अपना ही रिक्रिएट करेंगे, मेरा तो ईश्वर की कृपा से, तो मैंने जो गाने आज से 15 साल पहले किए थे वो रिक्रिएट होना भी शुरू हो गए, मेरे जीते जी ये रिक्रिएशन हो रहा है, तो चलता रहेगा, सबसे ये सब एक्सपेरिमेंट है म्यूजिक के साथ होते रहते हैं सर। लास्टली जो एक्टर्स से जानना चाहूँगा कि आगे इस म्यूजिक वीडियो के बाद क्या प्रोजेक्ट्स है और ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस म्यूजिक वीडियो?
जैसा कि प्रवीण जी ने कहा, वंस इट्स रिलीज, बट वन थिंग आई जस्ट मेट अमन टुडे, जब मैंने गाना सुना था ना, व्हाट यू जस्ट सेड, इट्स 90s फील, दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट आई हैड सडनली, लाइक मैंने म्यूजिक सुना ना, लाइक दिस इज 90s, दिस इज नॉट आज का एरा. या सो या नेक्स्ट प्रोजेक्ट वुड बी विद प्रवीण जी, हरीश भाई, सबके साथ ही. जैसे इन्होंने बोला कि 90s का एरा वापस आ गया है, अभी लोग वही सुनना चाहते हैं, लोग बोर हो चुके हैं अभी वही, मतलब ढिंचैक ढिंचैक सॉन्ग सुन के. सो अभी और रोमांटिक सॉन्ग मैं सुनना चाहूँगी, और चीज़ें मैं देखना चाहूँगी कि प्रवीण जी और भी म्यूज़िक वीडियोस लेके आएंगे मार्केट में. सो मेरी बेस्ट विशेस तो हमेशा है एच के म्यूज़िक के साथ. और अभी आज एक बिग अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं, वो सर अनाउंसमेंट आप कर दो तो अपने कंधे पे ले लो आप. मेरा काम कंप्लीट फॉर्मेशन का. अच्छा. अभी एक बिग अनाउंसमेंट हमारा ये है कि हम आपको फिर बुला रहे हैं जुलाई फर्स्ट वीक में. हमारा 27 जुलाई से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फ्लोर पे जा रहा है, जिसका टाइटल है जयपुरिया इश्क, जिसमें आपको पाकिजा टाइप के गाने सुनने को एकदम मिलेंगे. उसका टाइटल है जयपुरिया इश्क, उसका कास्ट और क्रू फाइनल एकदम फाइनल स्टेज पे है, और उसको हम जो है मुझे लगता है शायद 8-10 जुलाई के आसपास पहला गाना रिकॉर्ड करेंगे, तो उस समय आप लोगों को इनवाइट करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे. शूटिंग जयपुर पुष्कर में करेंगे हम लोग, पुष्कर में इसको शूट करेंगे. अभी सब्जेक्ट में रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अगर रिवील किया कोई दूसरा बनाना शुरू कर देगा. एक हिस्टोरिक सब्जेक्ट है बहुत, अब वो बनेंगे. और सबसे ज़्यादा मेरी जो पूरी टीम है, मैं सबको बेचारे मेरे संग सब सोते ही नहीं, इनको सोने ही नहीं देता हूँ, समझे. तो ये बहुत अच्छी मुझे टीम मिली है, उसके लिए भी बहुत इन लोगों की मुझे साथ मिलता रहता है, तब मैं कर पा रहा हूँ. मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, मेरा डायरेक्टर बेचारा वो सोता ही नहीं, ऑफिस में सो रहा था, कल फोटो भेजूंगा मीडिया को. ये आकाश को परेशान करते हैं, इसको भी परेशान करते हैं ये सब लोग. अलग से जब आप इंटरव्यू लोगे तो मेरी शिकायतें करेंगे क्या क्या. नहीं नहीं, ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन. नहीं 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 नहीं, ही इज़ वेरी स्वीट पर्सन, उनके कंपोजिशन भी बहुत स्वीट है. ये अपने साथ काम करने वालों को भी एग्जैक्टली वैसा ट्रीट करते हैं जैसे अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं. इनके लिए हमेशा दो फैमिली रही है, एक बीवी बच्चे माँ बाप, और दूसरे हम लोग. कहते हैं आप मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो, आप लोग मेरे साथ काम नहीं करते. ये उतना ही ध्यान हमारा भी देते हैं जितना अपनी फैमिली. गाना तो अब तक रिलीज नहीं हुआ, अगर दो लाइनें अमन सुनाते ना, मैं और अमन मिलकर सुनाते. अब की बरसात में तो तुम आए नहीं, क्या क्या किससे हुए तुमने सुनाए नहीं. अब की बरसात में तो तुम आए नहीं, क्या क्या किससे हुए तुमने सुनाए नहीं. चलो अब दिल को बेकरार करते हैं, अगली बारिश का इंतजार करते हैं. चलो अब दिल को बेकरार करते हैं, अगली बारिश का इंतजार करते हैं. और ये जो मेरा ड्रीम है ना, उसको मेरे हरीश भाई पूरा कर रहे हैं, कि एक बड़ा दौर लेके आ रहे हैं हम लोग म्यूजिक का. तो ये मतलब पूरी टीम लगी हुई है इस समय, जो आपको हर महीने 2-3 प्रोडक्ट देगी. थैंक यू.